समस्या का रहने वाला हूँ। 54 साल से पेंटिंग कर रहा हूँ और कुछ नहीं करता, सिर्फ पेंटिंग करता हूँ, पेंटिंग करता हूँ, ग्राफिक्स करता हूँ, ड्राइंग, स्कल्पचर ये करता हूँ। दिल्ली में रहता हूँ अभी 45 साल से और जयपुर बहुत दफा आया हूँ, राजस्थान बहुत दफा आया हूँ, बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर वगैरह बहुत दफा आया हूँ और मुझे राजस्थान बहुत पसंद है और यहाँ का आर्टिस्ट सब मिले हुए हैं तो अच्छा काम हो रहा है और जिस जगह में ट्रेडिशन है उस जगह का कंटेम्प्रेरी भी अच्छा होता है क्योंकि उसमें से ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसमें से सीखते हैं। लेकिन युवा पीढ़ी बहुत जल्दी से फेमस और रिच होना चाहते हैं। हम तो 40 साल लगाते हैं काम शुरू करने के लिए। आपके साथ कला भूमि आर्ट गैलरी के को फाउंडर असगर अली भी हैं सर। मैं जानना चाहूंगा सर, 2018 का आगाज का दूसरा दिन नेहा किरपाल के द्वारा सजाया गया वो मंच जो बहुत ही सुशोभित है, आप भी मौजूद हैं सर, ऐसी स्थिति में नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियों का पदार्पण किया गया है तो बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा, पहले से भी अच्छा हो रहा है और बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत सारे यंग आर्टिस्ट इमेजिनेटिव है। हम लोग तो छोटे छोटे काम करते हैं, ड्राइंग करते हैं, वाटर कलर ऑयल करते हैं। आजकल के आर्टिस्ट बहुत किस्म का मिक्स मीडिया बहुत इमेजिनेटिव काम करते हैं, बहुत अच्छा है। और हम लोग खुद, मैं तो कभी कोई आर्ट फेयर में पार्टिसिपेट नहीं करता, मैं अपना काम सिर्फ स्टूडियो में करता हूँ जब नुमाइश करता हूँ बस, लेकिन सबका काम देखते बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। Formally invited 10 students from pottery, 10 students from sculpture from BKR College, so that it will be beneficial to them and in the process they would help the professional art. That an artist of eminence decides to set up a museum of not only art, but everything that creates art, whether it is tribal, whether it is folk, whether it is wood, whether it is metal, or even the fans. I was wondering about what is it that he wants to do. He mentioned also about how to create this center which is appropriate to the culture.